जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एनाबेल कम्स होम है। मूवी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ एनाबेल मूवी एंड हुई थी। एक बच्चे की मदर एक डॉल परचेज करके अपनी बेटी को गिफ्ट करती है क्योंकि उसकी बेटी को डॉल्स बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन बहुत जल्द वो इस डॉल को एड और लॉरेन के हवाले कर देती है क्योंकि इस डॉल यानी एनाबेल डॉल में बहुत ज्यादा एविल पावर्स थी और वो इन पावर्स का यूज करके उस बच्चे को पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। एड और लॉरेन एनाबेल डॉल को लेकर अपने घर के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें एक दूसरे रास्ते से अपने घर के लिए जाना पड़ता है। रास्ते में वो लोग एक कब्रिस्तान के बाहर रुकते हैं क्योंकि उनकी कार खराब हो गई थी और एड कार को ठीक कर रहे थे। इसी दौरान लॉरेन को कार की पिछली सीट पर एक लड़की की सॉल नजर आती है और ये वही लड़की थी जिसकी कुछ देर पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस लड़की की सॉल लॉरेन को कहती है आई लाइक योर डॉल। इसके अलावा लॉरेन को वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिट्स नजर आती हैं और वो सारे स्पिरिट्स उस कब्रिस्तान से ही आई थी। उनमें से एक स्पिरिट एड को सड़क के बिल्कुल बीच में धक्का देती है ताकि सामने से आने वाले ट्रक के नीचे आकर एड की मौत हो जाए, लेकिन एड किसी तरह खुद को बचा लेते हैं और यहाँ पर एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि ये सब कुछ एनाबेल डॉल कर रही है और इसीलिए वो लोग बगैर कोई देरी किए उस डॉल को लेकर अपने घर आ जाते हैं। एनाबेल डॉल को घर लाते ही वो लोग उसे अपने म्यूजियम में लेकर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी केसेस से जुड़ी हुई बाकी चीजें भी रखी थी और वो सारी चीजें किसी तरह के डीमंस और एविल पावर्स की मालिक थी। एनाबेल डॉल को वो लोग एक चेयर पर रखते हैं और एनाबेल डॉल की वहाँ मौजूदगी से अजीबोगरीब होने लगता है, जैसे कि घड़ी का उल्टा चलना और बाकी चीजों के मूवमेंट, जो कि काफी अजीब था। और इसीलिए वो लोग एनाबेल डॉल को एक फादर से ब्लेस्ट करवाते हैं और उसे एक शीशे की बॉक्स में बंद कर देते हैं जो कि चर्च से मंगवाया था। यहाँ पर हमें एनाबेल डॉल की पावर का पता चलता है, यानी वो हर तरह की स्पिरिट्स चाहे वो अच्छी हो या बुरी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उनसे अपने विक्टिम पर अटैक करवाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एड और लॉरेन की बेटी जोड़ी दिखाई जाती है जो कि अपना ब्रेकफास्ट लेती हुई न्यूज़पेपर में एक न्यूज देख रही थी। उस न्यूज में एड और लॉरेन के बारे में बताया गया था। लोग उनके बारे में कह रहे थे कि ये लोग फेक हैं और वो पैसों के लालच में डेमन फोर्सेस से लड़ने का ड्रामा करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या ये हीरोज हैं या फिर हॉक्स। स्कूल में भी जूडी को बाकी बच्चे उसके पेरेंट्स को लेकर काफी परेशान करते थे और यही वजह है कि जूडी का कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग एड और लॉरेन को किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाना था और वो लोग मैरी नाम की एक लड़की को जूडी की केयर टेकर के तौर पर अपॉइंट करते हैं। मैरी जूडी को स्कूल में ड्रॉप करती है और जूडी को स्कूल में एक फादर की सॉल नजर आती है जो कि कॉन्टिन्यूसली उसे ही देख रहा था और वो सॉल जूडी को फॉलो भी कर रहा था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जूडी को वो स्पिरिट इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि उसके पास उसकी मदर की तरह पावर थी जो कि स्पिरिट्स को देख सकती थी, उन्हें महसूस कर सकती थी। इसके बाद हम मैरी को उसकी फ्रेंड डैनियला के साथ सुपरमार्केट में देखते हैं क्योंकि जूडी की बर्थडे थी और केक बनाने के लिए उसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। शॉपकीपर और मैरी एक दूसरे को लाइक करते थे। इन लोगों की कन्वर्सेशन के दौरान हमें ये पता चलता है कि डैनियला किसी वजह से एड और लॉरेन के घर जाने में काफी इंटरेस्टेड थी। मैरी जब जूडी को स्कूल में पिक करने जाती है तब वो लोग वहाँ पर उस फादर के स्टैचू को देखते हैं जो काफी देर से जूडी को नजर आ रहा था, और जब जूडी टर्न करके देखती है तो वो फिर से फादर की स्पिरिट को देखती है। मैरी और जूडी केक बनाने में बिजी थे तब डैनियला बैक डोर से उनके घर आ जाती है। डैनियला के हाथ में एक छोटी सी बेल होती है और वो जूडी से पूछती है कि क्या ये कोई स्पिरिट बेल है, जिस पर जूडी उसे कहती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बेल है जो कि उसकी मदर ने कलेक्ट की है। असल में डैनियला एड और लॉरेन के काम में काफी इंटरेस्टेड थी और वो उनके घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी और इसीलिए वो जूडी को रोलर स्केट्स गिफ्ट करती है। तब जूडी और मैरी घर से बाहर जाते हैं और डैनियला घर में अकेली होती है और उसे घर को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। डैनियला वॉरेन के म्यूजियम को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन उसका डोर लॉक था और फिर वो डोर के बाहर से ही स्पिरिट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता और डोर नहीं खुलता। वो उस दरवाजे की चाबी को ढूंढते हुए एड के ऑफिस में पहुंच जाती है और एक पिक्चर के पीछे डैनियला को उस म्यूजियम की चाबी मिल जाती है और वो उस चाबी से उस म्यूजियम के दरवाजे को खोल देती है। डैनियला का यहाँ पर आने का मकसद ये था क्योंकि वो अपने फादर जो कि मर चुके थे उनकी सोल से कांटेक्ट करना चाहती थी और जाहिर है इस म्यूजियम से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। और इसके बाद वो म्यूजियम के अंदर चली जाती है। डैनियला म्यूजियम में रखे हुए आर्टिफैक्ट्स को टच करती है और इसी दौरान एनाबेल डॉल उस शीशे की बॉक्स में ही गिर जाती है। अब हालांकि
डेनियला के उस ग्लास बॉक्स पर वार्निंग लिखा था, लेकिन इसके बावजूद डेनियला ग्लास बॉक्स का दरवाजा खोल देती है। बस ऐसा होते ही जूडी का बर्थडे केक जलने की वजह से फायर अलार्म एक्टिव हो जाते हैं और डेनियला ग्लास बॉक्स को लॉक किए बगैर ही वहां से भाग जाती है। यहां पर हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एनाबेल डॉल जो कि अब बिल्कुल आजाद हो चुकी थी और वो अपने एविल पावर्स का यूज करके अब कुछ भी कर सकती है। और तभी डोरबेल बजती है। मैरी जब दरवाजे के हॉल से देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता, जिस पर वो काफी हैरान हो जाती है। लेकिन मैरी दरवाजा खोल देती है और वहां पर उसे एक बच्ची नजर आती है जो उसे कहती है कि उसने एनाबेल डॉल से खेलना है। और फिर तभी अचानक से वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है, जो कि जाहिर है हैरान कर देने वाला मंजर तो था ही। डेनियला को अपने फादर की सॉल नजर आती है और वो उन्हें फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है। जूडी भी डेनियला को फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है, जहां जूडी को एक रूम में एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी हुई नजर आती है और वहां पर अजीबोगरीब होने लगता है। और बेड के नीचे जूडी को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है मिस मी और साथ में क्वेश्चन मार्क। और वहीं पर जूडी को एक शेडो चलता हुआ नजर आता है और तभी अचानक से दी ब्राइड जूडी के सामने आ जाती है और एक चाकू लेकर जूडी पर अटैक करने लगती है। जूडी क्रॉस उसे दिखाकर खुद को प्रोटेक्ट करती है और साथ में काफी चिल्लाती है और उसके चिल्लाने की आवाज मैरी और डेनियला सुन लेती है। मैरी जूडी के पास आती है और उसे हौसला देती है। यहाँ पर जूडी मैरी को बताती है कि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो स्पिरिट्स को देखती है, जिस पर मैरी उसे कहती है कि जरूरी नहीं है कि सारी स्पिरिट्स ही बुरी हो, कुछ अच्छी भी होती है। डेनियला को एड और लॉरेन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की फाइल मिल जाती है। उस फाइल में बहुत सारे डेमन्स का जिक्र किया गया था और वहीं पर एग्जॉर्सिज्म की टेप्स थी जो कि एड और लॉरेन ने की थी। डेनियला उनमें से प्रोजेक्टर पर एक टेप प्ले कर देती है, जिसे मैरी फौरन बंद कर देती है क्योंकि जूडी उससे काफी डर रही थी। वो डिसाइड करती हैं कि वो फीली मिली गेम खेलेंगी। गेम खेलने के दौरान एक बार फिर से डोरबेल बजती है और इस बार डोर पर वही शॉपकीपर होता है। मैरी दरवाजे पर देखने जाती है लेकिन वो उस लड़के को अंदर आने नहीं दे रही थी। रात को मैरी और डेनियला जूडी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बाहर वही लड़का गिटार बजा रहा था और बाहर उस लड़के पर वुल्फ की तरह नजर आने वाला एक डीमन अटैक कर देता है और वो लड़का उससे बचने के लिए वहां से भाग जाता है। डेनियला एक बार फिर से म्यूजियम जाती है और यहां पर हम देखते हैं कि उस म्यूजियम की कुछ आर्टिफैक्ट्स अब मूवमेंट कर रही थी। डेनियला म्यूजियम में रखे गए एक ब्रेसलेट की मदद से अपने फादर की सॉल को बुलाने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब हो जाती है और वो अपने फादर की सॉल को एक मिरर में अपने पीछे देखती है। तो अचानक से एक डीमन बनकर उस पर चिल्लाते हैं। डेनियला वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन अब वो अंदर ही बंद हो गई थी क्योंकि वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। और यहां पर हमें ये पता चलता है कि वो उसके फादर की सॉल नहीं थी बल्कि कोई डीमन सॉल थी। इसके बाद दूध से भरा हुआ ग्लास टेबल पर अपने आप ही मूव करता हुआ नीचे गिर जाता है और तभी टेप रिकॉर्डर भी अपने आप बजने लगता है। और तभी हम एनाबेल डॉल को जूडी के साथ देखते हैं। म्यूजियम में डेनियला एक टीवी को देखती है जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि नेक्स्ट डेनियला किस डायरेक्शन में देखेगी। मैरी को घर में बहुत सारे क्वाइंस मिलते हैं और तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक डीमन नजर आता है जो कि क्वाइंस डीमन था और वो मैरी पर अटैक करके उसे इधर उधर घसीटता है। लेकिन इससे पहले कि वो मैरी को जान से मार डालता, मैरी एक लाइट ऑन करके जूडी के रूम की तरफ भाग जाती है। जूडी को अपने रूम में अपने ब्लैंकेट में एनाबेल डॉल नजर आती है और तभी हम एनाबेल डॉल को रोटेटिंग लाइट के शेडो में देखते हैं जो कि बहुत सारे डीमन्स में बदलती जाती है और एंड में एक बहुत खतरनाक डीमन में तब्दील हो जाती है और जूडी पर अटैक कर देती है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर मैरी दरवाजा खोलकर जूडी को बचा लेती है। मैरी एड और लॉरेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ लॉरेन की आवाज में कोई डीमन बोल रहा था। डीमन कहता है कि वो एनाबेल से बात करना चाहती है और एनाबेल को इन लोगों की सॉल चाहिए और घर में लगी बेल्स अपने आप ही बजने लगती है। तभी फौरन मैरी और जूडी भी म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से म्यूजियम में रखा गया टाइपराइटर अपने आप ही चल पड़ता है और वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड टाइप हो रहा था और वो था मिस मी। वो तीनों किसी तरह बड़ी मुश्किल से म्यूजियम से बाहर आ जाती हैं, लेकिन बाहर आकर मैरी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम था। मैरी का इनहेलर बाहर कार में था और जूडी उस इनहेलर को लेने के लिए बाहर जाती है और तभी बाहर जूडी पर वुल्फ डीमन अटैक कर देता है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर वो शॉपकीपर वहाँ पर आकर वुल्फ डीमन पर अटैक करके जूडी को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि दी ब्राइड
ब्राइड डेनियला को पोजेस कर चुकी थी और डेनियला दी ब्राइड का ड्रेस पहनकर पूरी तरह पोजेस हो चुकी थी। अब इन सारी मुसीबतों से बचने का उनके पास सिर्फ एक ही हल था, वो ये कि अगर वो दोबारा से एनाबेल डॉल को शीशे के उसी बॉक्स में रख दे। लेकिन एनाबेल डॉल का तो कुछ अता पता था ही नहीं कि वो कहां गई है। और एक बार फिर से हम उस फादर की स्पिरिट को देखते हैं जो काफी देर से जूडी को नजर आ रही थी, और वो गाइड करके जूडी को घर की उस तरफ ले जाते हैं जहां पर एनाबेल डॉल थी। और यहां पर हमें पता चलता है कि उस फादर की स्पिरिट अच्छी स्पिरिट थी। और यहां पर ये बात भी साबित हो जाती है कि सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, उनमें से अच्छी भी हो सकती है। मैरी और जूडी फीली मिली गेम की मदद से उस रूम की चाबी ढूंढती है जहां पर एनाबेल डॉल थी। और फिर मैरी उस रूम में जाती है। उस रूम में बहुत ज्यादा डीमंस थे और बैड स्पिरिट्स थी जो कि मैरी को काफी डराने की कोशिश करती है। यहां पर बड़ी मुश्किल से मैरी एनाबेल डॉल को लेकर रूम से बाहर फेंकती है और जूडी एनाबेल डॉल को उठाकर वापस उस बॉक्स में रखने के लिए भागती है। लेकिन रास्ते में पोसेस डेनियला जूडी पर अटैक कर देती है। मैरी और जूडी डेनियला का मुकाबला करती है और जूडी अपने पेरेंट्स के थ्रू किए गए एग्जॉर्सिज्म की वीडियो प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है। इस वीडियो को देखकर डेनियला का भी एग्जॉर्सिज्म हो जाता है और अब वो दी ब्राइड के कब्जे से आजाद हो चुकी थी। अब ये तीनों लड़कियां म्यूजियम में जाकर एनाबेल डॉल को ग्लास बॉक्स में रखने की कोशिश करती हैं, जहां पर बहुत सारे डीमन उनकी कोशिश को नाकाम बनाने की काफी कोशिश करती है। तब जूडी एक क्रॉस की मदद से उन डीमंस को दूर भगा रही थी और डेनियला एनाबेल डॉल को ग्लास वॉक में रखने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसा होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तभी वहां पर वो शॉपकीपर भी आ जाता है। जूडी बचाती है कि बाहर डीमन से इस लड़की ने ही उसे बचाया था, जिस पर मैरी काफी खुश हो जाती है। ये चारों लोग रात को वहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं और सुबह होते ही एड और लॉरेन भी वहां पर आ जाते हैं। जूडी उन सारे इंसिडेंट्स को अपने पेरेंट्स को बता देती है जो उनके साथ हुए और वो दोनों अपनी बेटी को रिलैक्स करते हैं। वो लोग जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सब कुछ हैप्पी और नॉर्मल हो जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि डेनियला अपने फादर से कांटेक्ट करने की इसीलिए कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अपने फादर की एक्सीडेंट में मौत की वजह खुद को समझती है। इस पर लॉरेन उसे बताती है कि उन लोगों ने उसके फादर की सोल से कांटेक्ट किया था, जिसमें उन्हें पता चला है कि डेनियला का उस एक्सीडेंट में कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर है और उसके फादर को उस पर प्राउड है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।